केंद्र सरकार की नीतियों के विरोध में केंद्रीय मंत्री के नेतृत्व के आह्वान पर गुरुवार को महाप्रबंधक कार्यालय पर बीएसएनएल कर्मी हड़ताल कर प्रदर्शन किए। इस संबंध में बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के जिला सचिव नित्यानंद मिश्र ने बताया कि सरकारी नीतियों के विरोध में आज प्रस्तावित हड़ताल का समर्थन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार बीएसएनएल समेत तमाम संस्थानों का निजीकरण करने पर तुली है। इस अवसर पर आरपी शाही, रमाकांत सिंह, महेश्वर सिंह, प्रहलाद पांडे सहित अन्य बीएसएनएल कर्मी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बीएसएनएल एम्प्लाइज यूनियन के जिला सचिव नित्यानंद मिश्र ने कहा, हमारा नाम नित्यानंद मिश्रा है। मैं यहाँ बीएसएनएल एम्प्लाई यूनियन का डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी हूँ। आज हम लोग पूरा देशव्यापी हड़ताल पे हैं। इसमें हमारा एलआईसी, फूड कॉरपोरेशन, बैंक, ये सारे जितने भी कॉरपोरेशन हैं सारे आज स्ट्राइक पे हैं। आज बीएसएनएल में 1,60,000 एम्प्लाई थे और बीएसएनएल के 1,60,000 इम्प्लाइयों को इन्होंने बीआरएस देकर के 80,000 इम्प्लाई इन्होंने कम कर दिया। 80,000 इम्प्लाई मात्र बचे हैं पूरे ऑल ओवर इंडिया में। ये बेचने के तरफ मुखर हैं। इसको लेकर के आज हम सभी लोग, यहाँ तक कि किसान भी हम लोग के साथ हैं और आज हम लोग ये जो है आम हड़ताल किए हैं, जिसमें बीएसएनएल के लोगों ने अपनी जो मुख्य मांग रखी है वो ये है कि 1/1/2017 से वेज रिविजन दिया जाए और 1/1/2017 से जो भी हमारे साथी सेवानिवृत्त हुए हैं या बीआरएस लिए हैं उनको भी पेंशन में उसका लाभ दिया जाए, पेंशन की बढ़ोतरी की जाए और जो हमारे एजुकेटिव या नॉन एजुकेटिव के जो कर्मचारी साथी हैं उनके साथ जो उनका शोषण हो रहा है उनका शोषण बंद किया जाए और मजदूर विरोधी नीतियों को तुरंत तत्काल रोका जाए। इस सब मुद्दों को लेकर के 10 सूत्री मांगों के तहत आज हम लोग बीएसएनएल के ये महाप्रबंधक कार्यालय पे शास्त्री चौक में हम लोग जो है हड़ताल पे बैठे हुए हैं और आगे अगर जो यही परिस्थिति रही तो इस सरकार के खिलाफ और भी हम लोग मुखर रूप से इस संघर्ष को और तेज करेंगे। धन्यवाद।